संत चेतनराम श्री भक्ति गोपाल गौशाला धनारी खुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर। आप सभी भक्तों को जय गो माता जय श्री राम। आज मैं एक विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो विषय है नशे के बारे में। अभी इस कलयुग में बहुत से ऐसे युवा है जो नशे में शांति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नशे में शांति नहीं है। एक दिन प्रभु सिंह जी ने मेरे को बताया कि महाराज श्री, हम गो सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एक महाअभियान चलाना चाहते हैं, और वो है नशा मुक्त। हर किसी व्यक्ति को हम नशा मुक्त करना चाहते हैं, और मैं मेरे गांव को खिरजा खास गांव को विशेष ओर से नशे से मुक्त करना चाहता हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार का नशा मेरे गाँव में नहीं होना चाहिए, और ये मैं मुहिम चालू करना चाहता हूँ और उसमें आपका सहयोग चाहता हूँ। मेरा सहयोग यही है, वाणी के द्वारा मैं पूरा सहयोग आप सभी का करता रहूँगा और ये मार्गदर्शन मैं आपके लिए करता रहूँगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, इस ग्रुप में जितने भी जुड़े हुए हैं वो नशे से मुक्त हैं, नशा नहीं करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और अब आज से आपको ये संकल्प लेना है, आप अगर किसी का भला चाहते हो, आपको आपके परिवार का कोई भी सदस्य है, आपका कोई मित्र है, तो उसको नशा छुड़ाना है। आप चाहते हो कि मेरे मित्र का भला हो, मेरे परिवार का भला हो, तो आपको आपके मित्र को नशा छुड़वाना चाहिए। आपके मित्र का आप भला चाहते हो तो आप उसको नशा छुड़वाने के लिए आप प्रेरित कीजिए, उस पर दबाव डालिए, क्योंकि कोई बुरा संग है ना, उसको छोड़ने में थोड़ी समय लगता है। मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं नशे के कारण बर्बाद होते हैं। आज गरीबी का कारण क्या है? मैं मानता हूँ 50% गरीबी का कारण है केवल और केवल नशा। मजदूरी करने के लिए व्यक्ति सुबह जाता है, शाम तक 500 रुपये कमाता है, और वो व्यक्ति ठेके पर जाके 500 रुपये की बोतल लेके आ जाता है और उसको पी लेता है। उसके परिवार वाले सोचते हैं मेरे पिताजी आएंगे, मेरे भाई साहब आएंगे, कुछ लेके आएंगे खाने पीने के लिए, लेकिन भाई साहब दारू की बोतल लेके आ जाते हैं। उनसे उनका भी पेट नहीं भरता, परिवार वालों का भी पेट नहीं भरता, और पीने के बाद में वो अपनी पत्नी को मारता है, अपने बच्चों को मारता है, उसका पूरा घर धीरे 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 बर्बाद हो जाता है। लोग कहते हैं महाराज जी, आप हमको नशा छुड़वाने के बारे में क्यों बोल रहे हो? हम नशा करते हैं तो आपके तो पैसे नहीं लगते। हाँ, मैं कहता हूँ, अरे भाई, आप नशा करोगे तो मेरे जेब से दो पैसे लगने वाले नहीं हैं, और आप नशा छोड़ भी दोगे तो मेरी जेब में दो पैसे बचने वाले नहीं हैं, वो आपके ही लगने हैं। लेकिन हम संत हैं, परमार्थ के लिए हम संत बने हैं, और हम चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का भला हो, किसी गांव का भला हो। इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिनको पता है कि मैं शराब पीऊँगा, मेरे को नुकसान है, मेरे घर वालों को नुकसान है, लेकिन फिर भी पी रहा है। कई लोग ऐसे चल रहा है रास्ते में, आगे गड्ढा है, उसको पता है गड्ढा है, मैं आगे चलूँगा तो उसके अंदर गिरूँगा, लेकिन फिर भी जा रहा है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। एक व्यक्ति था, एक घर में कार्टून, शराब का कार्टून पड़ा था, उसमें उसने हाथ डाला और एक बोतल निकाली, बोतल खाली थी, तो उसको देखकर वो कहने लगा, ए बोतल, तूने मेरा परिवार उजाड़ दिया, तूने मेरे पत्नी से झगड़ा करवाया, तूने मेरे पैसे बर्बाद किए, ऐसे करके उस बोतल को गाली देने लगा और उस बोतल को उसने फोड़ दिया। कार्टून में हाथ डाला, दूसरी बार एक और बोतल निकाली, वो भी खाली निकली, उसको भी गालियाँ निकालने लगा, तूने मेरे बच्चों से झगड़ा करवा दिया, और तूने मेरे पत्नी से झगड़ा करवाया, तूने मेरे पड़ोसियों से झगड़ा करवाया, ये वो खूब सारी उस बोतल को सुनाया और उसको भी उसने फोड़ दिया। कार्टून में हाथ डाला, तीसरी बोतल निकली और उसको देखा तो वो भरी हुई थी, और उसको देख कर कहने लगा, तूने अभी तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, आजा चल आजा मुँह में आजा। तो ऐसे भी कई लोग हैं जिनको पता है शराब पीने से कितना नुकसान है, लेकिन फिर भी पी रहे हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि महाराज श्री, ये राजपूतों का खाना है। मैंने इतिहास पढ़े, पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि राजपूतों का खाना है, ये क्षत्रियों का खाना है।
ये राजपूतों का खाना नहीं, ये राक्षसों का खाना है। क्या आप शराब पी के राक्षस अपने आप को राक्षस साबित करने में लगे हो? क्या आप मांस खा के अपने आप को राक्षस साबित करने में लगे हो? अगर तुम मनुष्य हो और मनुष्य अपने आप को साबित करना चाहते हो तो आज के बाद कभी शराब मत पीना, आज के बाद कभी मांस मत खाना। नशा कोई भी प्रकार का हो, चाय, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अमल, किसी भी प्रकार का नशा हो, तुम अगर मनुष्य बनना चाहते हो और मनुष्यत्व अपना आपको साबित करना चाहते हो तो आज के बाद कभी नशा मत करना। इस ग्रुप को बनाने का प्रयोजन क्या था? प्रभु सिंह जी ने सोचा कि आज कितने युवा शराब की बोतलों में शांति की तलाश कर रहे हैं, उन सबको शराब से बाहर निकालने का काम प्रभु सिंह जी ने इस ग्रुप को बना करके किया है और इस मुहिम को चालू किया है। तो आप सबका साथ रहेगा। इस ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ, मुझे पता है आप तो कोई भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हो, लेकिन आप सबका ये आज से काम शुरू हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी आपका मित्र है, आपका पारिवारिक सदस्य है, आप चाहते हो किसका भला हो तो उसको आप शराब नशा छुड़ाने की पूरी कोशिश करोगे। ये आज से आपका काम शुरू हो रहा है। मैंने खिरजाकाश गांव में भागवत कथा की थी 7 दिन तक, वहाँ काफ़ी प्रभाव पड़ा, लोगों ने नशा छोड़ा है और वहाँ और भी सत्संग करेंगे अपन। हमारा ये पूरा उद्देश्य है कि हर गांव में, हर ढाणी में पहुँच कर और हम सबको नशा छुड़वाने की पूरी कोशिश करें।